दो साल बाद पुष्कर का मेला दोबारा लग रहा है और मेले की कवरेज आप तक पहुंचाने के लिए हमने मुंबई एयरपोर्ट से किशनगढ़ जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट बोर्ड की, क्योंकि किशनगढ़ एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 2000 मीटर लंबा है, यहां पर सिर्फ छोटे विमान ही लैंड कर सकते हैं। इसीलिए स्पाइस जेट मुंबई से किशनगढ़ के लिए अपनी फ्लीट का बम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है। मुंबई से किशनगढ़ की जर्नी हमने इस एयरक्राफ्ट में तकरीबन 2 घंटे में कंप्लीट की। किशनगढ़ एयरपोर्ट से हमने पुष्कर के लिए एक कैब बुक की जिसका किराया 1400 रुपये हुआ। मेला ग्राउंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमने एक होटल बुक किया जहां 100 Mbps का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है। इसे ये फ़ायदा होता है कि हम आप तक डेली वीडियोस पहुंचा सकते हैं। होटल में अपना सामान रखने के बाद मैं निकला पुराने मेला ग्राउंड पर वहां का मुआयना करने। क्योंकि पुष्कर एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पर अल्कोहल परमिटेड नहीं है और यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड की अनुमति भी नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड मेला ग्राउंड से रेलवे क्रॉसिंग को लगकर और आगे जाते हो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जहाँ पर मैं रुका हूँ, वहाँ पर नॉन वेज फूड भी अलाउड है और वहाँ पर आपको काफ़ी दारू के ठेके भी दिख जाएंगे। जैसे ये दारू का ठेका जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बगल में है और इसके आमने सामने आपको नॉन वेजिटेरियन फूड के स्टॉल्स दिख जाएंगे। सो क्योंकि ये दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में आता है, दैट्स द रीज़न इट इज़ अलाउड हियर। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर बेसिकली पहले पुष्कर का मेला लगता था और यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि इस बार पुष्कर हाट मेला 2021 वाटर वर्क्स के पीछे मोतीसर रोड पर आयोजित होगा। सो ये जो लेन है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो यहाँ पर सारे टेंट्स लगते थे, बट अभी थोड़ा आगे होगा एंड दिस टाइम आई एम सीइंग एट अ डिफरेंट प्लेस। पहले मैं अजमेर में रुकता था, बट इस मरतबा मैंने यहीं पे एक बहुत अच्छा होटल लिया हूँ, सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू ट्रैवल। साजन साजन मैं करूं, सजनी जीव जड़ी, सजन लिखावो छूड़ लाया, पधारो मारे देश जी केसरिया बालम, आप आबोलिए पधारो मारे देश जी पिया प्यारी राडोला, आप आ